हेलो स्टैंडर्ड 5 हिंदी पाठ 15 मैं और मेरा देश। ये वृतांत है, ये यात्रा का वृतांत है, जो यात्रा के बारे के संदर्भ में जो बताया गया है उसके बारे में। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। शिक्षा, राष्ट्र की ख्याति के लिए हमें हमेशा सदैव हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। राष्ट्र का, हमारे राष्ट्र का सर कैसे ऊंचा हो, हमारे राष्ट्र का मान कैसे बढ़े, हमारे राष्ट्र का सम्मान कैसे बढ़े, उसके लिए हम सभी देशवासी को, हमें अपने देश के को ख्याति दिलाने के लिए, उसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना होगा। क्योंकि हम अच्छे सदकर्म करते रहेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हमारा देश का मान बढ़ता रहेगा। इस कहानी के माध्यम से आइए अगले वीडियो में भेजा था उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, तो जब युवक ने स्वामी तीर्थनाथ जी को, स्वामी राम तीर्थनाथ जी को, तीर्थनाथ जी को उस युवक ने एक टोकरी फल लाके दिया, और जब स्वामी राम तीर्थ जी ने उसे पैसे देने की बात करी तो उस युवक ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अब बहुत हट करने यानी जिद करने पर उस बालक ने मानने को तैयार हुआ कि हाँ मुझे इसका मूल्य आप यदि देना ही चाहते हैं तो मूल्य के रूप में पैसे नहीं कुछ और क्या, तो आप जब अपने देश जाएं तो आप किसी से ये ना कहें कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर के मुग्ध हो गए, मोहित हो गए उस बच्चे पर, उस युवक पर। उस युवक ने अपने इस कार्य से, उस युवक ने ऐसा कार्य किया, अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया, कितना अपना देश का गौरव उस राम तीर्थ जी के मन में इतना भाव विहोर कर दिया, अपने देश के प्रति इतना प्यार बढ़ा दिया। और दूसरी ओर इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना से ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। कंपेयर यदि हम करेंगे तो आपस में, तो दूसरी घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी देश का, कि किसी एक देश का युवक जापान में शिक्षा लेने आया था, पढ़ने आया था। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए आया, दूसरे किसी भी देश का हो सकता है वह युवक। वहां पर में सारी सुविधाएं, आप बुक किताब नहीं खरीद सकते हैं तो आप सरकारी लाइब्रेरी है, आप वहां जाकर के किताब ले लीजिए और बैठ के पढ़िए, आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो उस युवक ने जो दूसरे देश का था, जो वहां पढ़ने आया था, वो पुस्तकालय में गया और पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। उस पुस्तक में से उस युवक ने क्या किया कि दुर्लभ चित्र, मैंने दुर्लभ के बारे में बताया है आपको, दुर्लभ का मतलब क्या होता है, जो कठिनाई से मिले, जो आसानी से ना मिले, दुर्लभ चित्र को क्या किया, चित्रों को उस युवक ने पुस्तक से निकाल लिया, फाड़ के पेज को ही निकाल लिया, जो ये क्राइम है, ये सही बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, निकाल लिया पुस्तक और ले जा करके पुस्तक जो है सो लाइब्रेरी में वापस कर दिया कि जो उसे चाहिए था, दुर्लभ चित्र जो चाहिए था उसने ले लिया और उस पेज से किताब में से पेज को फाड़ लिया उस दुर्लभ चित्र का और ले जा करके किताब को लाइब्रेरी में लौटा दिया। लेकिन किसी जापानी विद्यार्थी ने, जापान का रहने वाला ही विद्यार्थी ने उस बालक को ऐसा करते हुए उसे देख लिया और जाकर के लाइब्रेरी में इस बात की सूचना दे दी, और लाइब्रेरी के जो
हेड थे उसने पुलिस को ये बात बता दी। पुलिस ने तलाशी ली जब उस बच्चे की और उसके कमरे की, तो उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए गए उस विद्यार्थी की जापान पुस्तक की पेज को उसके कमरे से निकला, क्योंकि उस बच्चे ने फाड़ा था। सरकार ने क्या किया, सरकार ने, जापान की सरकार ने उस बच्चे को पनिशमेंट के तौर पे विद्यार्थी को अपने देश से ही निकालवा दिया, अपने देश से निकलवा दिया। और अपराधी को यदि अपराध करता है क्योंकि तो उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं हम यदि कोई अपराध किए हैं तो उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए, आप यदि कोई अपराध करते हैं तो उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए, ना कि आपके पिता को, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके देश को। आप सोचे कि हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, हमसे हमारा परिवार जुड़ा है, माता पिता जुड़ा है, हमारा समाज जुड़ा है, हमारा देश जुड़ा है। कोई भी गलत काम करने से पहले हजार बार सोचें आप कि आप ये जो गलत काम करने जा रहे हैं क्यों करने जा रहे हैं और किस लिए करने जा रहे हैं। यदि उस प्रश्न का उत्तर आपसे ना मिले तो आपको अपने से बड़ों की सहायता लेनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि आप कभी गलत तब नहीं करेंगे, तो उसको, उस अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है, मना, वर्जित मतलब मना है। साथ ही जिस देश का वह बालक है उस देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। देखो कितना बड़ा पनिशमेंट मिला उस बच्चे को, तो पनिशमेंट मिला ही मिला, साथ में उसके कारण से पूरे देश को भी पनिशमेंट मिला। वह बच्चा जिस देश का था उसे पनिशमेंट मिला और साथ में उस देश को भी पनिशमेंट मिला कि उस सरकारी विद्यालय, उस सरकारी पुस्तकालय में उस देश का आदमी कोई भी जा नहीं सकता। ये तो शर्म की बात है। जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सर ऊंचा उठा दिया, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश का मस्तक कलंक का ऐसा टीका लगा दिया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहेगा, लांछित करता रहेगा यानी अपमानित करता रहेगा। इस बात को देखो दोनों में कंपेयर। एक बच्चे, एक यहां पर मैं स्वामी रामतीर्थ ने एक छोटा सा शब्द कहा कि जापान में क्या अच्छे ताजे फल नहीं मिलते, बच्चे ने सुना और पूरा फल की टोकरी उठा के ला दिया अपने देश की गौरव के खातिर। और एक बच्चा दूसरे देश में आकर के अपने देश का मान सम्मान मिट्टी पलीत कर दी। दोनों में क्या अंतर है तभी समझ में आता है। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता, हीनता मतलब, हीनता का मतलब होता है यहां पे हम जो बुरे कर्म करते हैं कितनी नीचाई तक जा सकते हैं, और श्रेष्ठता जो सबसे ऊंचा है का संबंध देश ही हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। हम जो भी कर्म करेंगे हमसे, हमारा देश से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर कलंक का टीका ही नहीं लगता बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है। माता पिता, समाज, किस राज्य का रहने वाला है उस राज्य का, किस देश का रहने वाला है उस देश का, सभी के लिए हम जो है बदनामी होती है। और लेकिन वही यदि प्रतिष्ठा, बड़े काम करते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो क्या होता है, तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है। अरे वह लड़का किस देश का है, किस राज्य का है, किस माता पिता का है, बहुत अच्छा काम किया है, तो दोनों में बहुत कितना डिफरेंस है। और उसका गौरव बढ़ता है, उस देश का भी गौरव बढ़ता है, उस बच्चे की गौरव बढ़ती है,
इसीलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि देश का प्रतिष्ठा पे आंच आए, यानी हमारे देश की प्रतिष्ठा का हनन हो। कभी भी इस तरह का कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग आगे की कहानी को बाद में। धन्यवाद।